पहली मुलाकात हमारी कुछ इस तरह थी कि हम लोग की, जैसे आपको पता है कि एक अरेंज मैरिज है, तो उसमें एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म सेट हुआ था एक दूसरे से मिलने के लिए, और ये चीज़ वेरी नोन थी कि हमें जाना है, किसी से मिलना है, और वो भी एक मैरिज प्रोस्पेक्टस के थ्रू मिलना है। कुछ ऐसा नहीं था कि कोई ड्रामेटिक वो हुआ हो, आमने सामने आके एक दूसरे को देखा हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। हम लोग 15-20 मिनट सिर्फ कॉफ़ी लेकर के बैठे रहे और कोई बात नहीं हुई हमारे बीच, सिर्फ आप लीजिए चल रहा था हमारे बीच। फर्स्ट इम्प्रेशन वॉज गुड, और हम लोग ने कोई बात भी नहीं करी, बस हम लोग कॉफ़ी लेके बैठे थे, पी रहे थे कॉफ़ी अपनी अपनी। कॉफ़ी वॉज नाइस। एक चीज नोन थी कि ये पर्सन जो है ये मेरे को दिखाया जा रहा है, इसे मिलवाया जा रहा है, और मेन प्रोस्पेक्ट जो है वो मैरिज का है। तो काफी सारे क्वेश्चन थे माइंड में कि क्या करना है, कैसा होगा बंदा, क्या बात करना है, काफी सोचना था उस चीज के लिए। जब पहली बार मिले तो वो चीज नहीं थी कि शादी कर ही लेनी है, बट ये था कि चलो देखते हैं कैसा है, उसके बाद डिसाइड करेंगे। फैमिली को ये बहुत ज्यादा पसंद है। पहले मुझे इतना ज़्यादा वो नहीं था, तो फैमिली का था कि नहीं, नाइस पर्सन, एक बार देखो सोचो। ये डिसाइड हुआ कि फैमिलीज़ को पहले लेते हैं, उसके बाद ये डिसाइड करेंगे कि हम लोग कब मिलते हैं। पहले फैमिली का ओके होना ज़्यादा ज़रूरी है। देन हमारी फैमिलीज गेट टुगेदर हुई, उसके बाद हमारी एक ऑफिशियल मीट हुई। हमारी शादी तय होने के बाद ये हुआ कि एक बार हम लोगों को मिलना चाहिए, तो हम लोग मिले थे। स्टोरी कुछ इस तरह से है कि एक डिसाइडेड प्लेटफॉर्म था, उस पे हम लोग सडनली वॉक ऑन हुए और हम लोग मिले और सब स्मूथली होता चला गया। पता नहीं लगा कब हमारी लव स्टोरी स्टार्ट हुई, कब फ्लो में आ गई। हमारी एंट्री यार दिल में बजी घंटी यार टंग टंग टंग, परफेक्ट। माइंड में वायलिन बजना शुरू हुए और मतलब एवरी वन वॉज लाइक कि जब लोगों ने मुझसे पूछना शुरू किया कि शादी के लिए हाँ कर दी है तो कैसा लग रहा है, शादी के लिए हाँ कर दी है तो कैसा लग रहा है, तो एक गुड फील आ रहा था। और कॉज ऑफ हिज नेचर मुझे लगा कि ही इज परफेक्ट हस्बैंड मटीरियल, क्योंकि ही इज वेरी अंडरस्टैंडिंग, वेरी केयरिंग, एंड ओवरऑल एवरी थिंग He's very loving. देखा तो तुझे यार दिल में बची गिटार। शी इज नाइस पर्सन, शी इज वेरी अंडरस्टैंडिंग। डूबा डूब का गहरा इश्क, जो एक दिमाग में एक इम्प्रेशन बन गया था बात करने के बाद, मिलने के बाद, तो शी इज यू नो फिक्सिंग दैट इम्प्रेशन। काफी सारी बातें थी जो मतलब अच्छी लगी, और था कि नहीं यार ही इज द ओनली वन, बिल्कुल करेक्ट पर्सन, एक डॉट लग गया कि नहीं यार यही है, यही है, ही इज द ओनली प्रिंस चार्मिंग, शी इज द पर्सन हु विल टेक केयर ऑफ माय फैमिली। हो जाओ, नीला हो जाओ।
इश्क डूबा डूबता गहरा इश्क हवा तेरी उड़ने लगी हस्ती मेरी ओ खुशबू खुशबा महका इश्क डूबा डूबा